मैं कितनी सच्चाई है भाई कि भाई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो बिना पर्ची और खर्ची की सरकार है, तो कोई भी नेता हो या भाई किसी भी पार्टी तो या बड़े बड़े झूठे वादे करके जा है, तो आपने कुछ बीजेपी में भी से झूठे वादे बीजेपी भाई मन ने कोई झूठा वादा ला गया। अगर आपने देश हित में कुछ सोचना है, अगर आप देश हित के बारे में कुछ सोचते हो, तो भाई मोदी जी को वोट दो और भाई हरियाणा में नायब श्रेणी की सरकार। ये कई बालक बैठे है, कम से कम 8 या 10 बालक अपने साथ बैठे, युवा साथी है, जवान बालक से भाई उभरते बालक से पढ़निया बालक है, तो इनमें कौन सा नौकरी ला गया सरकार भाई? ये भाई युवा हुए। एक और बड़ा आरोप है बीजेपी सरकार पर कि भाई महंगाई बहुत बढ़ा दी है, जिसके कारण गरीब तबका जो और दब गया। नहीं जी, पढ़ाई कर ली। हाँ, पढ़ाई ग्रेजुएशन होगी भाई। आप क्यों कर करके बैठे? मैं तो प्राइवेट जॉब करने का मन था। सरकारी लालापा जो है बीजेपी कार्यालय तक अब लाइव जुड़ गए हैं और कुछ युवा साथी अपने साथ मौजूद है, इन तक बातचीत करें, क्योंकि विधानसभा के हरियाणा में इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और कोई भी प्रत्याशी होया, किसी भी पार्टी का होया या निर्दलीय पार्टी का होया, वे जो है गांव-गांव घूमे प्रचार करने लग रहे अपनी पार्टी का। तो फिलहाल आप बहादुरगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है, के माहौल है, वे चीज़ बातचीत करेंगे। सुमित भाई जुड़ गए अपने साथ और भी युवा साथी अपने साथ जुड़ रहे हैं, तो इन भाइयों तो बातचीत करेंगे सारे दे। राम राम सुमित भाई। राम राम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है, मौज हो रही है। मौज हो रही है, तो के माहौल है बहादुरगढ़ में? माहौल जी एक तरफा बीजेपी का, एक तरफा बीजेपी का। हाँ जी, बीजेपी की अगर आप अकामा की बात करें तो कितना काम करे बहादुरगढ़ विधानसभा में? बहादुरगढ़ में बहुत ज़्यादा काम किया है, पिछले 5 साल से कांग्रेस का विधायक था जी, ठीक है, और बीजेपी की सरकार थी, तो जो भी काम हुए हैं बीजेपी की सरकार ने करवाए हैं, ना कि कांग्रेस के विधायक ने। कांग्रेस के विधायक या निर्दलीय जो भी विधायक थे उनका एक बड़ा आरोप रहा है बीजेपी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कि भाई आगे तो जो ग्रांट पास नहीं करी गई, वो एक मेन रीजन रहा है या कारण रहा है काम ना करने का, तो इस बारे में आपके क्या विचार है? मैं एक विचार है इस बारे में मेरा, मनोहर लाल खट्टर जी थे, 9.5 साल रह गए, उन्होंने हर विधानसभा में चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हर विधानसभा में 25 करोड़ रुपए दिए थे। 25 करोड़ रुपए हमारा भादुगढ़ में भी आया था, ना तो 1 रुपए का विकास हुआ है यहाँ, ना कोई गली बनी, ना कोई नाली बनी, ना कितने ईट लग गया और ना कितना रोड लग गया भाई। 25 करोड़ रुपए न्यू के न्यू उल्टे चले गए, ना तुम्हारा उल्टे चले गए, खाए गए वो हमने नहीं बेरा, खाए गए कि उल्टे चले गए, पर विकास नहीं हुआ भादुगढ़ में। एक मतलब जो भी रुपया आया, जो भी ग्रांट आई, वह बहादुरगढ़ में कितने नहीं लगी? कितना नहीं लगी? 2 रुपया भी नहीं लगा, ना लगा। अच्छा, तो टक्कर की बात करें तो किसकी टक्कर देखी जा गया था? ये तो भाई दिनेश कौशिक की और राजेश जून की टक्कर है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सुमित भाई बेरा की बात है, कोई भी निर्दलीय हो या राष्ट्रीय पार्टी तो जो भी उठ रहा है, हर उम्मीदवार दावेदारी ठोकन लग रहा है कि भाई इस बार जो है मेरी सरकार, मतलब यानी कि विधानसभा बहादुरगढ़ विधानसभा में मैं बनूंगा, तो इस बारे में भाई जो चुनाव लड़े है वो सब दावेदारी ठोक, यार कोई ना न्यू कहता मैं हारूंगा और मैं हारूंगा, सब अपनी जीत निश्चित करके चलते हैं, क्योंकि सभी का खर्चा लगता है, सभी अपना चुनाव प्रचार तेजी करते हैं, लोग सभी को सहानुभूति देते हैं कि हम आप जीत रहे हो या आपकी पार्टी बहादुरगढ़ में आ रही है, आप सरकार बनाने जा रहे हो, ठीक है। जैसे आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो बीजेपी की वोट जो है वो साइलेंट है, ना तो बोल रही ना कुछ कह रही है, जो वैसा प्रचार चल रहा है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी का है, इनेलो का है, या जो निर्दलीय चुनाव जो प्रचार चल रहा है उसके, उसमें सब का प्रचार अच्छे से है। हम तो यही मानते हैं कि जो बीजेपी का प्रचार हो, कोई भी पार्टी हो, दिन रात एक करके जो है लाग रही है अपने अपने काम में, काम में मेहनत करने लाग रही भाई, सब मेहनत कर रहे हैं और सबको अपनी जीत दिखाई दे रही है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा सुमित भाई, युवा साथी है, आपने देखी भी होगी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो बिना पर्ची और खर्ची की सरकार है? भाई मारे गांव में ले ले, मेरा ही भाई लाग रहा है भाई, मैं बराई गांव का निवासी हूँ, मेरा भाई खुद हरियाणा पुलिस में बिना खर्ची पर्ची के, मैं तो भाई नॉर्मल दुकान चलाया करूँ, ठीक है, पढ़ाई कर ली। हाँ, पढ़ाई ग्रेजुएशन होगी भाई। आप क्यों कर घर पे बैठे हो? मैं तो प्राइवेट जॉब करने का मन तो सरकारी करनी है, करनी है नहीं भाई, करनी है कौन है? तू क्या करी भाई? भाई 12वीं करी थी। अच्छा, 12वीं करी, क्या करना? तैयारी कर रहा था भाई मेडिकल की, तो चूक कर अच्छा मेडिकल लाइन ही करना। आपका क्या नाम भाई? संदीप। संदीप, आप भी पढ़ रहे हो तुम्हें? भाई क्लियर होगी भाई, शादी भी होगी सब। अच्छा अच्छा, तो नौकरी क्यों ना मिली? नौकरी अपना बिजनेस है भाई, डीजे का काम है अपना। अच्छा, डीजे का काम, नौकरी क्यों नहीं? क्योंकि हर कोई भी युवा साथी हो, सबसे पहले अपने हरियाणा की करें या अपने पूरे इंडिया की बात करें,
तो सरकारी नौकरी जा है बचपन से लेकर बड़ा होने तक इनू सोचे जा भाई मैं सरकारी नौकरी लागू। और भारतीय जनता पार्टी आ गया है जो भी भाई पढ़े लिखे है तो बिना पर्ची खर्ची की सरकार है तो आप नौकरी जी कदे वो ही ना करा हमने कि नौकरी लाग गया सरकारी ना लाग गया अपना काम है चल रहा है ठीक है क्या बढ़िया जी बढ़िया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के काम बहुत ही बढ़िया है और सबसे बढ़िया भारतीय जनता हम युवा है नहीं मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी आज से पहले भी और अभी तक यो सबसे बढ़िया एक सरकार का रूल रहा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची यो लोगों में गरीब लोगों के घरों में उजाला जगाया है इस सरकार ने बढ़िया नीतियाँ हैं इनकी और विकास करने की नीयत है। लोगों का एक और बड़ा आरोप है बीजेपी सरकार पर कि भाई महंगाई बहुत बढ़ा दी गई है जिसके कारण गरीब तबका जो और दब गया। नहीं जी आन जैसे जैसे सरकार आती है समय जैसे जैसे हो रहा है वैसे महंगाई अभी बढ़ रही है छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है जी जो महंगाई है तो क्या है पहले कम भाव थे रेट के अब रेट भी बढ़ रहे हैं इस चीज़ के। आप किले के भाव लगा के चलो पहले किले की कीमत नहीं थी अब किले की कीमत कितनी हो रही है। अपना क्या नाम? मोहित गुप्ता। मोहित गुप्ता तो भाई मोहित मैं एक बात और पूछना चाहूँगा जैसे कांग्रेस सरकार भाई दिल्ली से भादरगढ़ तक मेट्रो लेकर आई या और भी बहुत सारे दावेदारी कर रहे हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटियाँ वगैरह बहुत सारी बनवाई पढ़ाई ने लेकर तो इस बारे में एक बीजेपी क्यों कांग्रेस क्यों नहीं या और पार्टी भी क्यों नहीं आपकी? जी भारतीय जनता पार्टी का एक ही है कि आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटियाँ भी बनाएंगे हर चीज़ की सुविधा देंगे जैसे आप प्रॉपर्टी आईडी ठहरा लो कि लोगों को अब सुविधा ऐसे कर देंगे थोड़ा टाइम और लगेगा कि घर बैठे अपना सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। यो बहुत डिजिटल हरियाणा बनाने जा रही है बीजेपी सरकार। डिजिटल रहोगा तो आपने कितना फ़ायदा उठाया डिजिटल का? डिजिटल का ही फायदा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जी आप तो खुद ही पत्रकार हो सोशल मीडिया है सोशल मीडिया किसी को भी फेमस कर सकती है किसी को भी रात तो रात ही हीरो बनाने का काम सोशल मीडिया करती है ये डिजिटल का ज़माना है जी। सुमित भाई तो एक दो और चीज़ पूछेंगे तो सुमित भाई अपने हल्के में ये काम हुए बीजेपी सरकार से भाई बीजेपी तौर पर बात कर रहे थे सबसे बड़ी समस्या की है भादरगढ़ में सबसे बड़ी समस्या भादरगढ़ आसपास के जितने भी गांव लग गए हैं 32 के 32 गांव जो 32 के 32 गांव थे पहले तो हमारा जो नागरिक अस्पताल था सामान्य नागरिक अस्पताल वो 100 बेडों का था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक 2014 में नरेश कौशिक यहाँ से बने उन्होंने 200 बेड का अल्टरनेट हॉस्पिटल और बनवा दिया जो गरीबों के काम आए लोगों को सहायता मिले ठीक है वो बनने जा रहा है और बनने लग रहा है अभी ऐसा काम चल रहा है समस्या की बात करें तो और गांव में जो लोग गांव में समस्या थी बहुत सारे गांव में पेयजल की समस्या थी वो भी है नहीं अब तो नहीं है जी नहीं है। मैं खुद बराई गांव का निवासी हूँ हमारे गांव में भी पेयजल की समस्या थी जैसे मांडोठी गांव हो गया ना पीने का पानी भी नहीं आता मांडोठी गांव का कति सारा नहर लग गया पीने का पानी तो मौजूद है भाई ये लोग वाक्य में भी अफवाह कर दे तो उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता मगर सभी गांव में पर्याप्त पीने का पानी है और अच्छी मात्रा में आ रहा है। जब भी चुनाव आवे है तो कोई भी नेता हो या भाई किसी भी पार्टी तो हो बड़े बड़े झूठे वादे करके जा है तो आपने कुछ बीजेपी में भी इसे झूठे वादे देखे? बीजेपी भाई मन ने तो कोई झूठा वादा लग गया कोने ये 6 महीने तो नायब सैनी आ रहा है कति खैचू खैच दराटा ठा काम कर रहा है ठीक है आगे फिर सरकार बन जाएगी नायब सैनी फिर आ जाएगा न्यूए कति दराटे का काम करेगा और न्यूए भाई लोग की सहानुभूति बीजेपी में बढ़ती जाएगी और लोग जुड़ते जाएंगे। एक जो है मैम विधानसभा है आम आदमी पार्टी से विकास नेहरा जी ने एक नायब सैनी के बारे में आरोप लगाया था कि भाई ये नायब सैनी नहीं ये गायब सैनी है क्योंकि ये घोषणा के लिए मंत्री बनाया गया था जो इलेक्शन का डर है उसके प्रति जो है घोषणा पे घोषणा करने लग रहे बाकी कुछ नहीं है इस बारे में क्या कहना चाहूँगा? भाई साहब जो उन्होंने घोषणा करी ठीक है कुछ तो धरातल पर काम हुआ है कुछ को आचार संहिता लगी उसके कारण काम नहीं हो पाया डिले हो गया हो और कुछ अगर आगे बीजेपी भाई आप इस चीज़ ने नहीं मानते अगर ये चीज़ें कुछ साल पहला ये जो अब घोषणा होने लग रही है कुछ साल पहला हो जाती है तो बहुत कुछ रुझान देखने मिल रहा है। हाँ अगर कुछ साल पहला ये काम हो जाते तो बीजेपी की एक तरफा सरकार बनाती थी हरियाणा में अब तो चुनाव का डर है ये चुनाव के डर का मान लियो या आप और कुछ मान लियो हमने तो इतना बेरा नायब सैनी बहुत अच्छा आदमी है और सबकी समस्या सुनता है चाहे रात न जाओ चाहे दिन में जाओ। कितनी एज होगी अपनी? मेरी एज होगी जी 26। भाई 26 होगी युवा साथी है लगभग अपने साथ जो है युवा साथी बैठे हैं तो बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या अपने
जो हल्के में कितनी रोजगारी या बेरोजगारी देखने मिल रहा है? जो हमारे यहाँ तो जो फुटवेयर पार्क भी इंस्टॉल हुआ था वो भाजपा के टाइम पे हुआ था, इतना बड़ा आपको पता सेक्टर 16 हो गया 17 हो गया वो फुटवेयर पार्क, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। अब भाजपा सरकार की बदौलत ही ये साथ में जो खरखोदा लगता है हमारा हल्का एक, इसमें भी मारुति का प्लांट आया हुआ है IMT का, वहाँ भी जैसे ये बन जाएगा वहाँ भी हमारे जो अच्छे युवा हैं जो रोजगार चाहते हैं बंदे उनको रोजगार मिलेगा। ये तो आप मानते होगे ये तो भाजपा सरकार की बदौलत, बिल्कुल अच्छे बच्चों को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की एक ही नीति रही है कि भाई पढ़ो लिखो और नौकरी पाओ, ना तो 1 रुपया चल रहा है और ना भाई कोई पर्ची चल रहा है। ये भी एक बालक बैठे है कम से कम 8 या 10 बालक अपने साथ बैठे है, युवा साथी है, जवान बालक से भाई उभरते बालक से पढ़निया बालक है, तो इनमें कौन सा नौकरी लाग रहा है सरकारी? भाई ये भाई युवा हुए हैं वो भाई बैठा, ये मेरा दोस्त है नांगलोई से, अच्छा ठीक है, ये अभी 12th पास होके पॉलिटेक्निक कर रहा है, अच्छा ठीक है, ये भाई बैठा ये भी युवा है, ये अभी 12th पास की थी इसने तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ही लिया बस, यो भाई ईव ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है इसका, अच्छा ये है दुलेड़ी से, मतलब वह बात है 12वीं करे उठ बालक, 12वीं करे उठ बालक सारे कति न्यू कॉलेज वगैरह हम पढ़ने लिखने कंटिन्यू करने लाग रहे, तैयारी ना करने लाग रहे, अभी तैयारी नहीं करते पढ़ने लग रहे। अच्छा रोजगार मिल जाएगा फिर इन्हें, रोजगार भाई देगा बीजेपी आ गई, देखो बीजेपी आ गई तो आप जो अगर ये मेहनत करेंगे लगन से कार्य करेंगे ठीक है, अपनी एक लगन से पढ़ाई करेंगे तो नौकरी इनको पक्का मिलेगी। और ये तो हमने पिछले 10 साल में देख लिया, बिना मैं वही तो कह रहा हूँ 10 साल में देख भी लिया, अब भाई ना देखिए MLA का राजा का पर्चा ठाकर चलो ना कि MP का जागे, सीधा अपना फार्म भरो पढ़ो लिखो और टेस्ट दो और नौकरी लागो और लेटर ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लो भाई। और अपने युवा साथिया तक ये कहना चाहूँगा, भाई युवा साथिया तक ये कहना चाहूँ अगर आपने देश हित में कुछ सोचना है, अगर आप देश हित के बारे में कुछ सोचते हो तो भाई मोदी जी को वोट दो और भाई हरियाणा में नायब सैनी की सरकार बनाओ, नायब हरियाणा बनाओ, नायब हरियाणा भी और विकसित एक हरियाणा की जो नीम है वो रखो और एक बीजेपी सरकार को भाई हरियाणा में लेकर आओ। धन्यवाद। चलो भाई वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो क्योंकि आपकी हर राय हमारे चैनल के लिए वैल्यूएबल है। यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं। जय हिंद जय हरियाणा।